चालू करके जिनकी मोहब्बतों से आपने जनाब शरफ नानपारी को नवाजा है, यकीन जानिए ये शरफ नानपारी का ही नहीं बल्कि आपने उर्दू जुबान को, उर्दू शायरी को, उर्दू गजल को भी नवाजा है। आइए दोस्तों, जनाब शरफ नानपारी के बाद बगैर किसी तमीज के और तामुल के मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ गजल के और खूबसूरत लहजे लहजे को जो जबलपुर से हमारे दरमियान तशरीफ ला रहे हैं, जनाब मन्नान जबलपुरी को, मन्नान फराज जबलपुरी को दावत दे रहा हूँ। दोस्तों बहुत तवज्जो और ईमान से मुलायदा फरमाएं, एक एक शेर को जनाब मन्नान फराज बहुत खूब कहते हैं, बहुत खूब पढ़ते हैं, आप यकीन उनको पसंद हो फरमाएं। हाजिर इकराम, बस जिस तरह आपने शरफ नानपारी साहब को मोहब्बतों से नवाजा, मेरे लिए बस डॉक्टर साहब इतना ही लोग चाहिए। ठीक ठीक वाह, मुझे इस बात का एहसास है कि किस चार दिवाली के अंदर किस खानका और इसके खानका का तकद्दस का एहसास है। इसके साथ साथ मुझे ये भी पता है कौन सा पार्टी का महीना चल रहा है, क्या तारीख क्या क्या निशा। मैं कुछ अशार वहां से करके दस से बारह अर्ज किया है कि चराग़े रहमत आलम की रोशनी की कसम, जो राय बस दस से पंद्रह मिनट के चराग़े रहमत आलम की रोशनी की कसम, मैं इख्तलाफ के शोरों पे चल के आया हूँ। चराग़े रहमत आलम की रोशनी की कसम, मैं इख्तलाफ के शोरों पे चल के आया हूँ। रसूल पाक की तालीम आम करने को खुद अपने जिस्म से बाहर निकल गया। चराग़े रहमत आलम की रोशनी की कसम, मैं इख्तलाफ के शोरों पे चल के आया हूँ। रसूल पाक की तालीम आम करने को मैं अपने जिस्म से बाहर निकल के आया हूँ। देखिए ये कुरान की ख्वाजा मुराद रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना मुनकबत पर शेख शरफ साहब इस तरह भी कही जा सकते बिना नाम लिए के, इसी दयाल का खोलूंगा पहुंच जाए। ऐसा साहब इसी दयाल का खोलूंगा पहुंच जाएगी, जरा सा दिल को टटोलूंगा पहुंच जाएगी। इसी दयाल का खोलूंगा क्या जाएगी, जरा सा दिल को टटोलूंगा पहुंच जाएगी। हम मदीने वालों से दिल की जो बात कहनी है यहीं से बैठ के बोलूंगा पहुंच जाएगी। मदीने वालों से दिल की जो बात कहनी है यहीं से बैठ के बोलूंगा पहुंच जाएगी। नाते मतलब दोषे खुशी तकार से बस अर्ज किया के नबी के इश्क में जिसने ये लम्हा गुजारा है, सारी लगे और अच्छा बाय करूं कि नबी के इश्क में जिसने भी लम्हा गुजारा है, हकीकत में वही लम्हा को बख्शिश का सहारा। हकीकत में नबी के इश्क में जिसने भी एक लम्हा गुजारा है, हकीकत में वही लम्हा तो बख्शिश का सहारा है। उसके तारे चांद सूरज कहकशां रोशन फलक चुगनू नानक की जानिब से नवाजे का उताना है। ये सब नानक की जानिब से नवासे का उतारा है। आइए गदर की दो तीन कलाम आपको जरूर तमाम मैं पढ़ता हूँ दोस्तों के मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर। अच्छा, मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर, मेरे अजीज मेरी आस्तीन खाली कर। मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर, मेरे अजीज मेरी आस्तीन खाली कर। फिर उसके बाद तू परवर ठहर नहीं सकता जब आसमान कहेगा जमीन खाली कर। फिर उसके बाद तू परवर ठहर नहीं सकता जब आसमान कहेगा जमीन खाली कर। और सुन लें तो की कहा अजय के गलत एक बात से
अक्सर कई बातें निकलती हैं। गलत बात जो गलत बात से अक्सर कई बातें निकलती हैं, अनाथ की कब्र के अंदर से फिर लाशें निकलती हैं। गलत बात से अक्सर कई बातें निकलती हैं, अनाथ की कब्र के अंदर से फिर लाशें निकलती हैं। वो खबर तुझको नहीं शायद, तेरे इस काटा छाटी से मेरे शौहरत के पौधे से नई शाखें निकलती हैं। खबर तुझको नहीं शायद, तेरे इस काटा छाटी से गलत बात से अक्सर कई बातें निकलती हैं, अनाथ कब्र के अंदर से फिर लाशें निकलती हैं। खबर दोस्तों नहीं शायद, तेरी इस काटा छाटी से मेरे शौहरत के पौधे से नई शाखें निकलती हैं। और चार से दो तीन कदार आपके मिजाज के पर्दे करता है कि सांस चलने से कुछ नहीं होता। देखिये जगह पहुंचे थे यहाँ, चलने से कुछ नहीं थी, तुम इस्तेमाल चला पहुंचे, सांस चलने से कुछ नहीं होता। सच तो ये है कि मर चुके हो तुम। ऐसे ऐसे बयान आ रहे मोदी ने कहा कर, सांस चलने से कुछ नहीं होता। सच तो ये है कि मर चुके हो तुम, और सबको नीचा दिखाने की जिद में इतना नीचे होता चुके हो तुम। सांस चलने से कुछ नहीं होता, सच तो ये है कि मर चुके होते हैं, सबको नीचा दिखाने की जिद में इतना नीचे होता चुके हो तुम, और बहुत मजबूर हो शीशा गई में, तो फिर क्यों आईनों से डर रहे हो? बहुत मशहूर हो शीशा गली में, तो फिर क्यों आईनों से डर रहे हो? और मेरी नजरों से तुम नजरें बचाकर नजरअंदाज खुद को कर रहे हो। मेरी नजरों से तुम नजरें बचाकर नजरअंदाज खुद को कर रहा हो। आइए आपके आकाशदार को धन्यवाद करते दो तीन कदा अर्ज किया कि शराफत, जर्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी। कि शराफत, जर्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी मोहब्बत और सदाकत का हसीन पैगाम लिख गया। शराफत, जर्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी मोहब्बत और सदाकत का हसीन पैगाम लिख गया। और अगर पूछे कोई सच्ची हुकूमत किसको कहते हैं, तो एक ताकत तो बस हजरत उमर का नाम लिख गया। शराफत, दर्द, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी मोहब्बत और सदाकत का हसीन पैगाम लिख देना है। अगर पूछे कोई सच्ची हुकूमत किसको कहते हैं, तो एक कागज तो बस हजरत उमर का नाम लिख देना। और ये चार दो तीन मिनट फले को मक्र से मुंहजोर शिकारी बनकर उसने जीती है हर एक जंग मदारी पर। वो मक्र से मुझोर शिकारी बनकर उसने जीती है हर एक जंग मदारी बनकर। तो 313 रहे हो या 72, लेकिन हमने इमदाद नहीं मांगी भिखारी बनकर। 313 रहे हो या 72, लेकिन हमने इमदाद नहीं मांगी भिखारी बनकर। दोस्तों बस बदल जहाँ पर हमारे रेहबानी छोड़ा था भाई नजर की तरफ आकर, फिर इंशाल्लाह पर हम तो सुनना चबर कमल साहब को ताजे मौसम सब गाड़ी बता के सुनना। सुन एक मतलब को तीन शेर सुन जाए कि किसी के हिजर में दुनिया से कट के बैठ गए, किसी के हिजर में दुनिया से कट के बैठ गए, हम अपने जिस्म के अंदर सिमट के बैठ गए। किसी के हित में दुनिया से कट के बैठ गए, हम अपने जिस्म के अंदर सिमट के बैठ गए। हमारे खाने दिल की किताब के अंदर, हमारे खाने दिल की किताब के अंदर बस एक लफ्ज मोहब्बत का रट के बैठ गए। हमारे खाने दिल की किताब के अंदर बस एक लफ्ज मोहब्बत का रट के बैठ गए। और ज़िया तो आई थी बीमार जुगनुओं के लिए, ज़िया तो आई थी मदद तो आई थी बीमार जुगनुओं के लिए, उसने भी हजरत सूरज झपट के बैठ गए। ज़िया तो आई थी बीमार जुगनुओं के लिए, उसे भी हजरत सूरज झपट के बैठ गए। और ठिकाने होश जो मेरे लगाने आए थे, ठिकाने होश जो मेरे लगाने आए थे, जरा सी देर में खुद ही निपट के बैठ गए। ठिकाने होश जो मेरे लगाने
शेर जमा कर रहा हूँ। जाकिर साहब इरशाद आया मतलब कि हमने तुमने या किसी और ने मारे पत्थर, हमने तुमने या किसी और ने मारे पत्थर, फिर भी होते रहे बदनाम बेचारे पत्थर। हमने तुमने किसी और ने मारे पत्थर, फिर भी होते रहे बदनाम बेचारे पत्थर। से कमाल करें कि आईना जब भी सदाकत का बनाता है कोई, एक हो जाए आईना जब भी सदाकत का बनाता है कोई, एक हो जाते हैं तब शायद के सारे पत्थर। आईना जब भी सदाकत का बनाता हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर, उसे सुनाना था एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर। जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची, इसमें काफी ऐसा पानी बचती है हमेशा। जुल्म सहते हैं एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर, जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची, तब मेरी माँ ने कहा मुझसे उठा रहे पत्थर। जुल्म सहते हुए बहुत बहुत शुक्रिया।